यो व्हाट्स अप गेमर्स, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये जो घर था वो कमिंग सून आ रहा है, क्योंकि ये अभी बंद है, 300 सब्सक्राइबर के बाद आने वाला है। और हमने लास्ट एपिसोड में ये भी बनाया था जो कि था काउ फार्म, तो इसमें मैंने काउ भी ला के रख दिया और इन लोग को खिला पिला के बहुत जनसंख्या बढ़ा दी, और इसके अंदर मैंने व्हीट और सीड्स रख दिया है। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत तगड़ा या फिर शानदार बोल सकते हो, आग लगाने वाला है जो एपिसोड। तो यहाँ पर से आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्टोन जनरेटर, ऑटोमेटिक स्टोन जनरेटर, तो ये वाले जगह में बनाऊँगा। तो यहाँ पर से आपको एक सरप्राइज़ भी दिखाने जा रहा हूँ गाइस, जो कि है सेकेंड वाले एपिसोड में शायद हमने बनाया था माइनिंग, मतलब करा था माइनिंग। तो यहाँ पर जो हमने नीचे गया था और वहाँ पर मुझे लावा का आवाज़ आया था लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, यहाँ पर से हमें लावा का आवाज़ अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पर से मैंने नीचे लेफ्ट और इस तरफ राइट की तरफ भी देखा लेकिन मिला नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर से इस तरफ ऊपर की तरफ टिक करते करते आ चुका हूँ, और इस तरफ आवाज़ बहुत ही बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था, और ऊपर की तरफ जैसे ही मैंने माइन किया आवाज़ इंटू टू हो गया। तो यहाँ पर से आपको अंधेरा दिख रहा होगा, मुझे ही पता है, तो मैं जल्दी से टॉर्च लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे भी अंधेरा दिख रहा है भाई। तो यहाँ पर से जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ, अंदर टॉर्च है या नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मैं टॉर्च, हाँ है, तो इसे मैं रख देता हूँ, इधर लगा लेता हूँ। आप लोग को देख रहा होगा यहाँ पर से पानी आ रहा है, तो इसे तोड़ देता हूँ। ये देख सकते हो गाइस, मुझे लगा लावा का आवाज़ है लेकिन ये पानी का था। अरे नहीं, पानी के साथ लावा भी है। तो यहाँ पर से ये क्या है, पता नहीं कौन सा ब्लॉक है, ड्रिप ब्लॉक है शायद, अपडेट में आया था कि ये लावा मिल गया मुझे, तो स्टोन जनरेटर बनाने के लिए लावा भी चाहिए, जो कि मुझे मिल गया। और इधर भर भर के कोल और जो कि बहुत सारा आयरन भी है, देख सकते हो। तो ये कहाँ पर से खुला है मुझे पता नहीं, ऊपर जाके देखने से पता चलेगा। तो यहाँ पर से मैं ब्लॉक लगा लेता हूँ ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर से मेरे पास ब्लॉक कम है, 15 ब्लॉक से ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर से मैं जल्दी से ब्लॉक सब यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर तो पूरा कोल ही कोल है, बोला था ना गाइस कोल का गोदाम है पूरा। तो यहाँ पर से देख सकते हो मैं कोल भी कलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर से ऊपर जाने के लिए सुविधा होगी। तो यहाँ पर से मैं थोड़ा बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा नहीं 20 ब्लॉक्स हो गया है, तो ये ऊपर तो बहुत बड़ा है, मुझे लगेगा 30 से 40 ब्लॉक मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर तो आयरन भी है तो इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, चैनल में नए हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज़रूर से बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट में। तो यहाँ पर से मैं ज़रूर से ऊपर चले जाता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर से बहुत ऊपर आ गया, यहाँ पर आयरन भी है, तो मैं थोड़ी बात कलेक्ट कर लूँगा इसे। मैं ऊपर जाके देखना चाहता हूँ कि कहाँ से ये रास्ता खुल रहा है। तो यहाँ पर से थोड़ा ये ऊपर है तो मैं पहुँच गया, यहाँ पर से एक ब्लॉक लगा लेता हूँ इधर, और इधर एक लगा लेता हूँ, तो मैं ऊपर पहुँच गया। तो ये कौन सा जगह है, ये मेरे घर के पास तो नहीं लग रहा है, मैं ये माउंटेन के ऊपर चढ़ के देखता हूँ, थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से है। तो गाइस ये तो जाना पहचाना नहीं लग रहा है, उस तरफ कुछ विलेज टाइप दिख रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे घर के पीछे मतलब आगे तरफ भी विलेज था, तो शायद ये मेरा इस तरफ का जो नया वाला घर बना रहा हूँ वही है, देख के आता हूँ गाइस। तो यहाँ पर से बस आगे की तरफ जाना है और ये यहाँ पर दिख जाएगा। तो गाइस मैं राइट था, ये देख सकते हो यहाँ पर जो मैं नया वाला घर बना रहा हूँ ये, और मैं जो उस तरफ से आया हूँ ये, तो थोड़ा दूर है क्योंकि मैं नीचे तरफ से अंडरग्राउंड से आया था। तो अभी रात हो चुकी है तो मैं जाके सो लेता हूँ अपने घर की तरफ, तो यहाँ पर से जल्दी से चलता हूँ। और हाँ गाइस, आज के वीडियो का लाइक एम तो रखना भूल ही गए, तो आज का वीडियो का लाइक एम है 35 लाइक्स, जरूर से पूरा कर देना, उम्मीदें कर दोगे। तो नेक्स्ट डे आ गया है गाइस, तो अभी मैं चलता हूँ और वहाँ पर से मैं सब कुछ तोड़ के कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि लावा भी था, तो लावा भी कलेक्ट करना है मुझे। तो मैं चलता हूँ और लावा कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो इस तरफ से मुझे, ओ ये क्या है,
ओ गाइस, ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो कि है डेजर्ट टेंपल, और यहाँ पर हमारे जो ऑक्टोपस भैया, उनसे हमें मिल जाएगा ब्लैक इंक, तो मैं जरूर से कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, यहाँ पर से विलेजर्स टावर भी है, तो उनसे तो मैं बदला ले के रहूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में जब मैं खेल रहा था तो उन लोग मुझे मारने आए थे। अच्छा हुआ कि मेरे पास काव था, जिसका मिल्क में पी के उनके पॉइजन से बाहर हो गया। तो यहाँ पर से ये आ गया है, तो ये डेजर्ट टेम्पल का रास्ता किधर से, जहाँ तक मुझे लग रहा है हाँ नीचे से ही है, नीचे दिख गया, तो मैं नीचे चलता हूँ गाइस। और यहाँ पर से मुझे पता है, तो यहाँ पर से मुझे साइड से डिक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर बीच से डिक करूँगा तो वहाँ पर से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे एक बटन है, जिसको मैं अगर नहीं जान के चला जाता तो उसके नीचे TNT है, तो उसको मैं दबा देता तो पूरा ब्लास्ट हो जाता और मैं मर जाता। तो ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं संभल के चलता हूँ नीचे। कोबल स्टोन लगा लगा के नीचे चलना पड़ेगा गाइस। आप देख सकते हो मैंने कोबल स्टोन यहाँ पर प्लेस कर लिया है, यहाँ पर भी नीचे प्लेस कर लेता हूँ। अभी मेरे पास लाइट नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ब्राइटनेस भी बढ़ा दिया है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं लाइट लाना भूल गया हूँ। तो यहाँ पर से मैं थोड़ा, यहाँ पर कोबल स्टोन लगा लिया, बस थोड़ा ही नीचे जाना है, और जाके ही मैं यहाँ पर से वो बटन तोड़ देता हूँ। तो ये तोड़ दिया, और यहाँ पर से ये चार चेस्ट है गाइस, इसके अंदर बहुत सारा लूट होता है, आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर वाओ, डायमंड हॉर्स आर्मर और एंचेंटेड बुक, ये सब मेरे काम आएगा, तो सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं ये सब कलेक्ट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट ये चेस्ट को तोड़ के ले जाता हूँ, क्योंकि चेस्ट की भी ज़रूरत है हमें स्टोन जनरेटर फार्म बनाने के लिए। तो यहाँ पर से मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर भी बहुत सारा लूट है, तो इसको मैं नहीं देखे ही तोड़ देता हूँ। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसके अंदर भी सेम लूट है, तोड़ देता हूँ गाइज। गोल्डन एप्पल भी था गाइज, एमरल्ड भी था, तो यहाँ पर भी एमरल्ड ही है, देख सकते हो गोल्ड एमरल्ड सब है। तो अभी मैं सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से ऊपर चलता हूँ। और उससे पहले गाइस, TNT तो लेना भूल गया, TNT को पहले लेना है, तो ये TNT मेरा बहुत काम आने वाला है, अगर कोई माउंटेन या फिर कुछ तोड़ रहा हूँ तो तब। और यहाँ पर से मैं ये तोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर से TNT बस 9 ही है, कोई नहीं और ले आएंगे या फिर बना लेंगे। तो यहाँ पर से मैं ऊपर चलता हूँ गाइस, यहाँ पर से ऊपर कोई नहीं, ब्लॉक्स लगा के चला जाऊँगा। तो यहाँ पर से ब्लॉक लगा लिया, और एक कम हो गया, तो यहाँ पर से कुछ नहीं, सैंड सैंड लगा लेता हूँ, क्योंकि सैंड भी तो ब्लॉक ही है। तो यहाँ पर से ऊपर क्या टेक रहे भाई, तोड़ो तोड़ो सब कुछ तोड़ो, आज मुझे कोई नहीं रुकने वाला, जल्दी से चलो जल्दी। तो यहाँ पर से चलता हूँ और यहाँ पर तोड़ देता हूँ गाइस इसे। तो यहाँ पर से ये जो सब ब्लॉक्स है, ये भी बहुत रेयर मिलता है, इन लोग को कलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो नीचे गिर गया, कोई नहीं, बाकी सबको नीचे नहीं गिरने दूंगा, उसके लिए मुझे बस एक काम करना पड़ेगा, ये जो सैंड है इसको इसके नीचे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से इसको नीचे रख देता हूँ, ताकि अगर मैं तोड़ लूँ तो इसको नीचे पूरा नीचे नहीं जाए, बस ऊपर ऊपर थोड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पर से ये सब सैंड कलेक्ट मतलब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर से मैं सब कुछ तोड़ देता हूँ, जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पर से मैं उस तरफ चल जाता हूँ और यह सब कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ, उस तरफ जाके मैं वो भी कलेक्ट कर लूँगा। तो सब कुछ मैंने कलेक्ट कर लिया, और डेजर्ट टेम्पल एक्सप्लोर हो गया और लूट भी हो गया, तो ये देख सकते हो। तो और एक दिन आएंगे और यहाँ पर से सब कुछ ये जो ब्लॉक्स है लेके चले जाएंगे। तो प्लेजर्स टावर्स साइड में ही है, अभी पंगा लेने का कोई मुहूर्त नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी आयरन का नहीं है, मतलब ड्रेस। तो पहले मैं आयरन का आर्मर बना लूँ, फिर यहाँ पर से उनको पंगा चकाऊँगा। तो यहाँ पर से मैं चले आता हूँ अपने घर की तरफ, और यहाँ पर से जंप मार लेता हूँ। अरे भाई, बंदा डैमेज हो गया, कोई नहीं, खाना भी है ना, खाना है, तो पहले खाना खा लेता हूँ गाइस। और अभी मुझे डिग करना है ये सब, देख सकते हो गाइस, ये जो सामने की तरफ है, तो मुझे सब डिग करके वहाँ पर अभी बनाना है स्टोन जनरेटर, तो पहले मुझे डिग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मैं जल्दी से जाके डिग कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो गाइस, यहाँ पर से मैंने थोड़ा बहुत डिग किया था, तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो TNT है, तो मैं काहे का डिग कर रहा हूँ, कोई नहीं, TNT रख के हम ब्लास्ट कर देंगे, सब कुछ टूट जाएगा, तो
इसके लिए मैं यहाँ पर बीच में थोड़ा बहुत डिक कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ TNT का ब्लॉक एक, और इसके ऊपर मैं रखने वाला हूँ ये जो लाया हूँ ओक का बटन। अब स्विच ऑन कर देते हैं। ओ भाई चार्ज हो गया, चार्ज हो गया जल्दी जल्दी। 1 2 3 ओ भाई जितना सोचा था उससे कहीं भयानक बॉम्ब छूटा है। और एक तो बनता है भाई, इसी बात पे और एक बनता है। कितना बड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक बनता है भाई। अरे जब सोवल है तो ये क्या चीज़ है, हाथ से क्यों तोड़ रहे हैं। यहाँ पर से और एक रख देता हूँ, थोड़ा बहुत तोड़ देता हूँ और उसके बाद रख दूँगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने रख दिया, गलत लग गया लगता है, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुछ ऐसे। तो गाइस अब यहाँ पर मैंने रख दिया इसे, अब बटन लेने जाना है क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे इसको ऑन कर सकूँ। तो मैं जल्दी से चलता हूँ और पहले खाना ले लेता हूँ गाइस, खाना तो मेरे पास है। तो यहाँ पर से मैंने बटन ले लिया, लेकिन बटन यहाँ पर से नहीं था तो मैं यहाँ तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर से इसे मैंने तोड़ दिया है और इससे बटन बन गया है। तो गाइस इसे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर चल के इसको रख देता हूँ। तो उसको रखने से पहले मुझे थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़े ना, क्योंकि यहाँ पर से मैं इसको ऑन कर दूँगा और पीछे भागने का जगह नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर से पहले इसमें हो गया, तो यहाँ पर से ऑन कर देता हूँ। और भाई भाई जल्दी 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 1 2 3 बूम, भाई साहब क्या फटा है। कोई नहीं, यहाँ पर से हम और वेस्ट नहीं करेंगे। मैं जल्दी से इसको वैसे ही तोड़ देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो गाइस आप देखना चाहते हो ये देख सकते हो गाइस, पूरा का पूरा मैंने तोड़ दिया है। और अभी बारी आता है स्टोन जनरेटर फार्म बनाने की, तो मैं आपको उसका रेसिपी बता देता हूँ। तो आप कुछ भी ब्लॉक्स चाहिए, मैं यहाँ पर डीप स्लेट ब्रिक्स ले रहा हूँ, और आपको स्टेयर्स चाहिए 10, चेस्ट चाहिए 10, और ओक ट्रैप डोर चाहिए 1, और यहाँ पर लावा बकेट और एक चाहिए वाटर बकेट। तो इतना चाहिए आपको, और फर्नेस एक बनाना है ना, तो मैं फर्नेस अभी बना देता हूँ। तो वहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के इधर लाता हूँ, बाकी सब सामान भी बनाना है तो यहाँ पर ही रख देता हूँ। इधर गया, इधर ही है, तो यहाँ पर से मैं रख देता हूँ इधर। तो यहाँ पर से देख सकते हो पहले फर्नेस बना लेना, तो एक फर्नेस की ज़रूरत है, आप दो दो बना सकते हो क्योंकि वहाँ पर जितना भी रखने से कुछ नहीं होता, आपको x2 मिलेगा। तो यहाँ पर से देख सकते हो मैंने आयरन पकने के लिए रख दिया है, मैं वहाँ पर से लावा भी लेके आ गया और आयरन का जितना भी था सब कुछ लेके आ गया। और आयरन से मैं अभी बनाने वाला हूँ थोड़ा बहुत अपने लिए आर्मर, क्योंकि आयरन बच गया है। तो यहाँ पर बना लेता हूँ। और क्या बन सकता है, जूता बनेगा, जूता भी बन सकता है, तो मैं जूता भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर से बन गया, और कुछ बन सकता है क्या, ड्रेस फ्रेस कुछ बनेगा क्या? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ड्रेस तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं है कि बन जाएगा। तो यहाँ पर से मैं ट्राई करके देखता हूँ, नहीं नहीं मुझे मेरे पास नहीं है तो ये नहीं बन सकता। कोई नहीं गाइस, हमारे पास और लूट आएगा थोड़ी दिन बाद। तो यहाँ पर से मैं इतना ही सामान चाहिए हमें, और मैं पहले पहन लेता हूँ और आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस मैं पहन चुका हूँ, और ये देख सकते हो। तो हाँ गाइस, तो अभी मुझे यहाँ पर से कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पर से मैं पहले ले लेता हूँ, 40 बहुत है। तो अभी मैं यहाँ पर से बना लेता हूँ हॉपर्स, इसके लिए ही चाहिए था मुझे आयरन। तो 5 आयरन से बनता है एक हॉपर, तो अभी 8 हॉपर चाहिए हमें, तो 40 से बन जाएगा। जहाँ तक मेरा मैथमेटिक्स का ज्ञान बता रहा है 40 से बन जाना चाहिए, और इसमें हमें चाहिए 8 चेस्ट। तो हाँ गाइस हो गया है, बस अभी 2 बनाना है, बन गया। तो 8 हॉपर हो गया, 2 चेस्ट, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं जल्दी से चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ गाइस पहले यहाँ पर आपको प्लेस करना है, पहले तो ले लो आपको ब्लॉक, जो भी ब्लॉक लेना है ले लो। मैं यहाँ पर से डीप स्लेट का ब्रिक्स ले रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है ये, आप चाहिए तो स्टोन ब्रिक्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पर से पहले आपको यहाँ पर से मैं पहले लगा देता हूँ यहाँ पर लाइट, बहुत अंधेरा दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर लाइट लगाने के बाद ही स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले यहाँ पर से लाइट 2-2 लग गया, अब लाइट लग गया है। तो अभी यहाँ पर से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले यहाँ पर 6x4 का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, 6 हो गया यहाँ,
और यहाँ पर से फोर बनाना है एक, अरे गलत लग गया तो इसको तोड़ दो। यहाँ पर से फोर, 1 2 3 4, अभी यहाँ पर से 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। अभी यहाँ पर से आपको स्टेयर्स लगाना है, तो उसके पहले आपको लगाना पड़ेगा एक ब्लॉक, उसके ऊपर स्टेयर्स लगेगा ना, ऐसे तो स्टेयर्स नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर से मैं पहले ब्लॉक लगा लेता हूँ और उसके ऊपर लगेगा हमारा स्टेयर्स। तो यहाँ पर ब्लॉक लग गया और यहाँ पर से मैं स्टेयर लगा लेता हूँ, ऐसे लगाना है। और कोई जॉम्बी नहीं आ रहा ना, पीछे से धप्पा मत कर देना। तो यहाँ पर से एक लग गया, 6 लगाना है, 1 2 3 4 लगाना है, 4 हो गया। अब यहाँ पर से आपको नीचे वाला तोड़ देना है, टेम्पररी था तो यहाँ पर से तोड़ दिया। अभी यहाँ पर से आपको हॉपर्स प्लेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर उसके ऑपोजिट साइड में आपको डिग करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। अभी भाई ये रात हो गया है, ज़ॉम्बी बहुत आ रहे होंगे, जल्दी से जाके सो जाता हूँ, नेक्स्ट डे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट डे आ गया है और यहाँ पर से देख सकते हो, अरे मैं इधर क्या करने आया, हाँ सॉवेल बनाने आ रहा था लेकिन स्टिक्स नहीं है। तो यहाँ पर से मैं डिग कर लेता हूँ, सीढ़ी टाइप बनाऊँगा गाइस। तो यहाँ पर से सीढ़ी बना लेता हूँ गाइस, यहाँ पर से भी, तो बहुत नीचे आना है मुझे। तो यहाँ पर से थोड़ा बहुत डिग कर लेता हूँ, सॉवेल तो नहीं है, इससे ही काम चला लो। और यहाँ पर से और एक अंदर डिग करना है मुझे, 2 ब्लॉक अंदर डिग करना है। तो यहाँ पर से ब्लॉक्स भी तोड़ देता हूँ, हाँ हो गया। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको प्लेस करना है एक चेस्ट, उसके ऊपर हॉपर, फिर यहाँ पर हॉपर प्लेस कर देना। फर्नेस भी चाहिए लेकिन हॉपर पहले प्लेस कर देना, उसके ऊपर फर्नेस, तो साइड में फर्नेस लाइक दिस, ओके। तो गाइज यहाँ पर मैंने सब कुछ प्लेस कर लिया है, अब देख सकते हो अब मुझे यहाँ का काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर से आपको हॉपर्स कनेक्ट करना है इसके साथ, देख सकते हो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर लग गया हॉपर, अब इसके ऊपर एक हॉपर लगने वाला है, अब इसको लगाते लगाते 4 ब्लॉक का हॉपर यहाँ पर लगा देना, टोटल आपको 8 हॉपर लगेगा। तो यहाँ पर से ब्लॉक्स लगा देना, इसके ऊपर भी एक ब्लॉक लगा देना गाइस, लग गया है। अभी आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पर एक जो ट्रैपडोर बनाया था उसे प्लेस कर देना, ऊपर प्लेस करना है। और यहाँ पर ब्लॉक, तो जो जो बचा है साइड में ब्लॉक लगा दो, काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर से ब्लॉक लगा दिया मैंने, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर स्टेयर्स लगाना है ऑपोजिट साइड में, जो कि इस तरफ। दिस इज़ फॉर लुक्स ओनली गाइस, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर से मैंने लगा दिया और यहाँ पर से नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर से मैं पहले टेम्प्रेरी ब्लॉक लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर जाके पहले पानी का बकेट बनाऊँगा, मतलब पानी का बकेट डालूँगा, ये देख सकते हो। तो ऐसे मैं और लेके आता हूँ, एक बना लेता हूँ गाइस, 3 आयरन है ना, आयरन है, तो यहाँ पर से एक बना लूँगा और इसको लेके चलूँगा मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने। आपको नहीं बनाना आता, जरूर से वीडियो में देखते रहिए, बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पर से मैं 2 पानी का बकेट ले लेता हूँ और इसको मैं बनाने जा रहा हूँ अनलिमिटेड। तो मैं यहाँ पर से आ जाता हूँ और यहाँ पर से आपको 4 ब्लॉक डिक करना है ऐसे, तो कुछ स्क्वायर टाइप का 4 ब्लॉक डिक हो जाएगा। इस एक तरफ डालोगे यहाँ पर और दूसरे तरफ भी इस तरफ, अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं, नहाना है क्या। तो यहाँ पर से इस तरफ डालना, हो गया अनलिमिटेड सोर्स। तो अभी मैं एक एक करके डाल लेता हूँ अंदर की तरफ। तो ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर से एक डाला, यहाँ पर एक, और अभी मुझे और एक चाहिए। तो यहाँ पर से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी यहाँ पर से डाल लो, हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर से इसे कवर कर दो ऊपर का सब कुछ। तो यहाँ पर से मुझे स्टेयर्स लगा था इसलिए ये कवर नहीं होगा, तो इस तरफ से कवर कर दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये कवर हो गया, तो इस तरफ भी कवर कर दो गाइस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अभी हमें बढ़ना है तीसरे स्टेप की ओर, जो कि है हमें यहाँ पर से चेक करना है कि इस तरफ से आ रहा है या नहीं। तो लाइक दिस, मुझे पहले लाना पड़ेगा कोल,
तो कोल तो मेरे पास नहीं है ना। हाँ तो यहाँ पर से मैं कोल लेके आता हूँ। और ये प्लेयर बहुत स्लो चल रहा है, खाना चाहिए इसको। खाना किधर गया? खाना 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 रोटन प्लस नहीं चलेगा। ये मिल गया, तो यहाँ पर से मैं खाना खा लेता हूँ। और यहाँ पर से कोल भी मिल गया, कोल बहुत हो गया। तो पहले खाना खा लेता हूँ और एक और खाऊंगा, हो गया। तो पहले यहाँ पर से मैं कोल लगा देता हूँ और आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो जैसे कि अंदर से मैं एक डिग करूँगा कोबल स्टोन, और वो आ जाएगा यहाँ फर्नेस के अंदर, और ये यहाँ पर से बन जाएगा हमारा स्टोन ब्लॉक चला जाएगा हमारा चेस्ट के अंदर। यहाँ से हम आके इसको ले लेंगे, बन गया हमारा स्टोन जनरेटर फार्म। तो गाइस एक गलती हो गई थी, क्योंकि तो यहाँ पर से मुझे ये फर्नेस उठाना पड़ेगा, क्योंकि फर्नेस इधर नहीं लगने वाला, तो इधर लगेगा हमारा चेस्ट। चेस्ट हमारा इधर लगने वाला है, तो गलती सुधार लो गाइस यहाँ पर से वीडियो को पूरा देख के। तो यहाँ पर से ये देख सकते हो, ये जो चेस्ट है इधर लगने वाला है, उसके नीचे लगने वाला है हमारा फर्नेस, और उसके नीचे फिर से लगेगा चेस्ट। इसलिए मैंने बोला था गाइस दो चेस्ट संभाल के रखना। तो यहाँ पर से मैं लगा लेता हूँ हमारा फर्नेस, हो गया। अब उसके नीचे अभी लगाना है हमें चेस्ट। तो यहाँ पर से डिग कर लेता हूँ मैं नीचे तरफ, देख सकते हो ऐसे डिग करना है। तो यहाँ पर से मैं नीचे तरफ डिग कर लेता हूँ, और इधर हमें लगा देना है एक चेस्ट। ज़रूर से चेस्ट लगाना, बैरल तो बिल्कुल मत लगाना। तो यहाँ पर से चेस्ट रख दिया हूँ मैं, इसके ऊपर अभी लगा देना है हमें ऊपर, हो गया। तो इतना ही इसको चेंज करना था, जो ऊपर था उसे नीचे लाना था, और नीचे और एक प्लेस करना था। तो ये इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ अभी कोल लगा दिया, और इसको मैं यहाँ पर से तोड़ देता हूँ। तो अभी बस एक ही स्टेप बचा है, उससे पहले यहाँ पर हॉपर लगाना है। तो यहाँ पर से ट्राई करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये हॉपर में चला गया, दो मैंने डाला है, और वहाँ पर से दो स्टोन बन के आ जाएगा, दिखा दूँगा आपको। तो यहाँ पर से अभी हॉपर भी प्लेस कर चुका हूँ, यहाँ पर भी एक प्लेस करके देखता हूँ। जा रहा है ना? हाँ जा रहा है। 30 से 29 हो गया, मतलब एक चला गया, मतलब तीन तीन मैंने वहाँ पर कोबल स्टोन डाला है, तो तीन स्टोन बन के आ गया होगा, दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर से पहले मैं ये ब्लॉक रख देता हूँ, डीप स्लेट का ब्रिक्स। तो यहाँ पर से डीप स्लेट का ब्रिक्स मैंने डाल दिया है, अब जाके दिखा देता हूँ आपको। तो ये स्टार्ट हो गया, देख सकते हो यहाँ पर से तीन हो चुका है, और इसके अंदर और एक भी है। तो यहाँ पर से इसको ले लेता हूँ, ये तीन तीन हो गया, अब इसके अंदर बिल्कुल एम्प्टी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर से नेक्स्ट स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है, बस आपको यहाँ पर लावा बकेट डाल देना है, और आपका कोबल स्टोन या फिर स्टोन जनरेटर बन के तैयार हो गया। तो आपको मैं दिखा दूँगा, पहले एक पिकेक्स बना के ले आता हूँ, और आपको मैं प्रूफ भी दे दूँगा कि अगर एक नया वाला पिकेक्स है आयरन का, और उससे आप डिग करते हो तो कितना अंदर तक डिग कर सकते हो, अनटिल ब्रेक, मतलब अगर पिकेक्स जब तक पिकेक्स का जान है, कितना सारा ब्लॉक्स आप तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर से मैंने ले लिया स्टिक्स और एक आयरन, तो यहाँ पर से बन चुका है। तो आपको जाके दिखा देता हूँ। और हाँ गाइस, यहाँ पर से मैं आपको ट्रिक भी देने वाला हूँ कि कैसे आप ऑटोमेटिक आपका कर्सर को घुमा सकते हो, मतलब आप ऐसे छोड़ दोगे, AFK कैसे कर सकते हो आप, दिखा दूंगा। तो हाँ अभी मैं यहाँ पर से डिग करता हूँ, और देखते जाइए कितना ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर से डिग करता हूँ, सॉरी गाइस मैंने गलत वाला पिकेक्स चूज कर दिया था, अभी स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर से दिखा देता हूँ, F3+8 दबाना है विथ लेफ्ट बटन का माउस दबा के। तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो आ जाएगा, ये कुछ टाइम लोड होगा फिर खुल जाएगा, देख सकते हो। तो लेफ्ट बटन जरूर से दबाना, फिर रिलीज कर देना। फिर यहाँ पर से देख सकते हो ये ऑटोमेटिक चल रहा है। मैं AFK हो जाता हूँ 30 मिनट के लिए, फिर आप सबसे मिलता हूँ। सो गाइस अभी जाके पिकेक्स टूट रहे, देख सकते हो मैंने 30 मिनट लगातार डिग किया है। और यहाँ पर से देख सकते हो, अंदर जाके दिखा देता हूँ क्या कितना सारा स्टोन और कोबल स्टोन है। कोबल स्टोन 64 अंदर भी है, 21 इधर भी है, और ऊपर और एक चेस्ट में भी हो सकता है। तो अंदाजा से आप मान लो 100+
स्टोन बन जाता है आपका, तो लाजवाब है स्टोन जनरेटर फार्म। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर से जाके लाइक कर देना, और लाइक को जरूर से कंप्लीट कर देना है, और सब्सक्राइब भी कर देना है, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।